हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स। इसे शॉर्ट में हम डेटा इंटरप्रिटेशन या DI कॉम्बोज बोलते हैं। अब DI कॉम्बोज या डेटा इंटरप्रिटेशन में कॉम्बिनेशंस का मतलब ये होगा कि किसी क्वेश्चन में आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा और साथ में टेबल दिया जाएगा, या एक ग्राफ और एक टेबल, कोई भी बार ग्राफ या लाइन ग्राफ हो साथ में टेबल, इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हो सकता है पाई चार्ट और एक बार ग्राफ दे दिया जाए। तो इसमें बैंकिंग लेवल के जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं उसे हम एक बार हैंडल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस के लिए एक सेट है जिसमें कि एक बार ग्राफ है और एक पाई चार्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये है क्या, एक बार ध्यान से देखें। स्टडी द टू फिगर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिगर 1, ये है आपकी फिगर 1। नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स इन अ यूनिवर्सिटी बाय सेक्स, ये मेल ये फीमेल, और यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज का लेखा जोखा है। ये ब्लैक कलर जो है ये मेल्स दर्शाएगा और ये डॉट्स वाला जो हिस्टोग्राम है ये फीमेल्स का काउंट दर्शाता है। फिगर टू आपके सामने दे रखी है, एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स प्रोफेसर्स की यहां पर बात हो रही है। एज ग्रुप्स दिए हुए हैं 35 to 44, 25 to 34, 60 to 65 एंड 45 to 59। इन पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 to 44। ये रहा 35 to 44 और यहां है फिजिक्स के प्रोफेसर्स। ऊपर देखें तो 32 का काउंट यहां है, 8 का काउंट है, दोनों को मिलाएं तो टोटल बनता है 40। अब 35 to 44, ये राइट हैंड साइड पे पाई चार्ट को देखें, ये ब्लैक कलर का जो रीजन है ये वाला 40% है। तो कह सकते हैं कि 40% ऑफ 40, 4 4s are 16, सही उत्तर है जो कि दिया गया है आपको चॉइस बी में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ये डिसिप्लिन्स जो दिए गए हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को चेक करना, साइकोलॉजी या बॉटनी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, अगर फिजिक्स का देखा जाए तो मेल इज टू फीमेल का रेशियो यहां पर आ रहा है। देखिए, मेल्स 32 हैं, फीमेल्स 8 हैं, तो 32:8 जो कि बराबर है 4:1 के, 8 4s are 32। मैथ का देखें तो 28 और 8, ये 28 और 8 तो बट नेचुरल वाली बात है कि 28 32 से छोटा नंबर है तो ये हाईएस्ट नहीं हो सकता रेशियो। केमिस्ट्री देखते हैं, इसमें तो मेल का रेशियो वैसे ही कम है क्योंकि यहाँ 16 मेल्स हैं और 22 फीमेल्स हैं, तो ये भी उत्तर नहीं बन सकता। बचा इकोनॉमिक्स, तो इसमें 24:8 और फिर 24:8, 32:8 से कम है। तो साफ साफ दिख रहा है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि फिजिक्स में हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स है। तो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। साइकोलॉजी प्रोफेसर्स टोटल कितने हैं, 4 मेल्स हैं, 6 फीमेल्स हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हुई 6 आउट ऑफ टोटल 4 + 6 = 10, इनटू 100 करें तो 60%, चॉइस सी हमारा सही उत्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34 इक्वल्स 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दैट एज ग्रुप, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34। इसे धीरे धीरे पार्ट पार्ट में पढ़ें। तो पहला पार्ट नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स, पहले तो फिजिक्स पे जाएं। 32 मेल, 8 फीमेल,
टोटल 40 प्रोफेसर्स। तो ये जो पूरे आंकड़े दिए गए हैं ये 40 प्रोफेसर्स के दिए गए हैं। और 25 to 34 में कितने हैं? 30% है। तो 30% ऑफ 40 ये हुआ 4 3s are 12। तो टोटल 12 प्रोफेसर्स हैं हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34। अब इसमें कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं और आपको दिया गया है नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34 इक्वल्स 25% 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दैट एज ग्रुप। तो हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स आर देयर इन दैट एज ग्रुप? 12। इसका 25% फीमेल्स है। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 कितना हुआ 12 का? 3। तो मेल प्रोफेसर्स कितने बचे? 9, जो इस एज ग्रुप में है। वही वो आपसे जानना चाह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34। आंसर है 9, जो कि दिया गया है चॉइस ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स, कहां गए ये रहे साइकोलॉजी प्रोफेसर्स? देखिए 4 मेल हैं 6 फीमेल्स हैं, टोटल 10 हैं। इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी? देखिए वो कह रहा है कि 2% 2% ऑफ ऑल द प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर्स का अगर हम 2% लें तो वो हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स, और वो कितने हैं? 10। इफ 2% इज 10 देन 100% इज हाउ मच? 100/2 × 10 टोटल बना 500। 2 और 10 कैंसिल हो गया 5 से, 500 आपको दिया गया है चॉइस बी में, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट देखिए 5 क्वेश्चंस के, से पहले एक ये लाइन ग्राफ और एक टेबल ये आपको दिया गया है, 2 रिप्रेजेंटेशंस का कॉम्बिनेशन है, इसे ध्यान से देखें। द गिवन लाइन डायग्राम शोज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय 5 टेलीकॉम कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज हैं? LOL, ROFL, LMAO, IMAO, PMSL, इस तरह से कुछ नाम दिए गए हैं, और रेवेन्यू इन मिलियंस ऑफ रुपीज आपको वाई एक्सिस में दिया गया है। ये जो ब्लू लाइन से इंडिकेशन है ये है प्रीपेड का, और जो ऑरेंज लाइन से है ये है पोस्टपेड का। सो द गिवन लाइन डायग्राम शोज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय 5 टेलीकॉम कंपनीज थ्रू प्रीपेड एंड पोस्टपेड सर्विसेज। द टेबल शोज द परसेंटेज ब्रेकअप। देखिए ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है, कंपनीज के नाम दिए हुए हैं यहां पर, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में प्रीपेड के माध्यम से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और पोस्टपेड के माध्यम से अर्बन और रूरल में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो द, और ये जितनी भी फिगर्स दी गई हैं ये सब परसेंटेजेस में दी गई हैं। द टेबल शोज परसेंटेज ब्रेकअप of the revenue generated through prepaid and postpaid services in rural and urban areas. तो ये जो भी डेटा दी हुई है इस पे एक नजर मारें, इसे समझने का प्रयास करें, और इस डेटा को दिमाग में रखते हुए जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपनीज, कितनी कंपनीज डोमिनेट LOL इफ अ कंपनी इज सेट टू डोमिनेट If its total revenue is more than the other companies in both prepaid and postpaid services together, तो dominate करने का मतलब यहां पर यह है कि अगर उसका revenue, total revenue जो है वो दूसरी कंपनी से ज्यादा है prepaid में भी और postpaid में भी। तो ये देखें, total revenue of both prepaid and postpaid services by LOL, देखिए ये रहा LOL 4.3 और 2.4, ये बना 6.7 इसका टोटल। ROFL का बना 4.4 प्लस 2.5 6.9, LMAO का बना 3.7 प्लस 1.8 5.5, IMAO का बना 4.5 प्लस 2.8 7.3,
और PMSL का बना 4.2 प्लस 3.2 7.4। तो 6.7 से कितनी कंपनीज का ज्यादा रेवेन्यू है? देखिए 6.9 का ज्यादा है, 5.5 का नहीं है, 7.3 का ज्यादा है, 7.4 भी 6.7 से बड़ा है। तो थ्री कंपनीज हैं, कौन कौन सी? PMSL, IMAO और ROFL, जिनका टोटल रेवेन्यू LOL से ज्यादा है और वो उस पर डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट की यहां पर डेफिनेशन भी यही दी गई है। तो चॉइस डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन, देखिए मिलियन ऑफ रुपीज में बात कर रहे हैं, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल कंपनीज इन प्रीपेड सर्विसेज एंड पोस्टपेड सर्विसेज। तो इन सभी में डिफरेंस आपको निकालना है। और जब बात हो रही है एब्सोल्यूट डिफरेंस की, तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू नहीं लेनी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव सिंबल के बिना। तो अगर कुछ नेगेटिव आ भी रहा है तो भी उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो चलिए सभी कंपनीज के प्रीपेड से जनरेट किए गए रेवेन्यू ऐड कर लेते हैं और पोस्टपेड से जनरेट किए गए रेवेन्यू भी ऐड कर लेते हैं, फिर उनके बीच में डिफरेंस ले लेते हैं। प्रीपेड में टोटल आ रहा, देखिए 4.3 प्लस 2.5, तो 4.3 प्लस 2.5 इज 6.8, प्लस 3.7 इज 10.5, प्लस 4.5 इज 15, प्लस 3.2 इज 18.2। और पोस्ट पेड के लिए एक बार नजर डालते हैं, 2.4 प्लस 4.4 6.8, प्लस 1.8 8.6, 8.6 प्लस 2.8 11.4, प्लस 4.2 15.6। अब इसमें डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2.6, जो कि दिया गया है हमें चॉइस ए में। तो चॉइस ए इसका सही उत्तर होगा। What is the absolute difference between the revenue generated by five companies in prepaid services in rural areas and in urban areas by postpaid services? तो rural areas के लिए prepaid और urban areas postpaid, ये आपको calculate करना होगा हर एक के लिए individually। तो ये रहा prepaid, prepaid के लिए rural areas की बात करें तो 40% यहां पर है। LOL के लिए प्रीपेड ब्लू वाली लाइन पे ध्यान दें तो 40% ऑफ 4.3, फिर ये 30% ऑफ 2.5, 10% ऑफ 3.7, 20% ऑफ 4.5 एंड 50% ऑफ 3.2। ठीक इसी तरह से अर्बन पॉपुलेशन फॉर पोस्टपेड अर्बन एरियाज, ये रहा पोस्टपेड, तो अर्बन 80% ऑफ 2.4, नेक्स्ट 50% ऑफ 4.4, 70% ऑफ 1.8, 60% ऑफ 2.8 एंड 90% ऑफ 4.2। चलिए कैलकुलेशंस लें, 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 1.72। 4 3 are 12, 4 4 16 और 1 17। 30% ऑफ 2.5 0.75, 25 × 3 = 75। 3.7 का 10% 0.37, 20% ऑफ 4.5 डबल कर दो भाई उसको 0.90 एंड 50% ऑफ 3.2 विच इज 1.60। टोटल करें 5 and 2 7 and 14, 1 carry over, 7 8 and 7 15 and 3 18 and 9 27 and 6 33, 3 bacha 3 and 1 4 और 1 5 5.34। इसी तरह से अर्बन पॉपुलेशन के लिए यहां पर पोस्टपेड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 80% ऑफ 2.4, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 = 32, 3 बचा 8 2 = 16 एंड 3 19, तो 1.92।
50% ऑफ 4.4, ये तो साफ साफ है 2.20, 70% ऑफ 1.8, तो 18 × 7, अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको कैलकुलेशन में, तो 18 × 7 इज 126, तो 1.26, 60% ऑफ 2.8, तो 6 8s are 48, 6 2s are 12, एंड 4 16, तो 1.68, 90% ऑफ 4.2, तो 9 2s are 18, 9 4s are 36 प्लस 1 37, इसका टोटल करें 2 + 6 = 8, 8 × 3 = 24, 2 कैरी ओवर, 7 × 9, 9 × 11 × 13 = 6, 19 × 7 = 26, 2 कैरी ओवर, 2 + 1 = 3, 4 5 6 7 10, 10.64, तो डिफरेंस आ गया जी 10.64 में से 5.34 माइनस कर दीजिए तो ये आना चाहिए 5.3, जो कि यहां कहीं नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5.5 बहुत दूर है, मिलियंस की बात कर रहे हैं हम यहां पर, मिलियंस ऑफ रुपीस, तो इतना सारा फर्क कैसे पड़ सकता है पैसे में। आप तो बैंकर बनने वाले हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें, 1-1 रुपए का फर्क जो है उससे नौकरी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय LOL एंड ROFL इन रूरल एरियाज, कहाँ है LOL, ROFL, ये रहा रूरल एरियाज में 40%, 30% बाय बोथ प्रीपेड एंड पोस्टपेड इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय LMO इन द अर्बन एरिया बाय प्रीपेड। तो ये दोनों के दोनों मिलाएं अगर सबको तो कितना हिसाब किताब बनेगा। देखिए यहां पर ये फिर तो 40% निकालना है हमने यहां पर LOL का प्रीपेड के लिए, ये रहा LOL, ये रहा प्रीपेड 4.3, सो 40% ऑफ 4.3, सो 4 3 12, 4 4 16 प्लस 1 दैट इज 1.72। इसी तरह से ROFL प्रीपेड 2.5, सो 30% ऑफ 2.5 इज 0.75। रूरल के लिए भी निकालें, पोस्ट पेड के लिए, तो पोस्ट पेड में ये है जी LOL 2.4, कैलकुलेशन की सारी बात है, तो 20% ऑफ 2.4 ये बना 0.48, और ROFL 50% ऑफ 4.4 जो कि है 2.2। इन सब फिगर्स को पहले तो मिला दीजिए, तो 1.72 प्लस 0.75 प्लस 0.48 प्लस 2. तो जी यहां पे देखेंगे अगर तो ये आया आपका 2.68, यहां पे मिला 2.47 प्लस 2.68, जरा ऐड करें 7 and 8 15, 1 carry over, 6 and 4 is 10 प्लस 1 carry over जो है 11 बन गया, 2 + 2 = 4 + 1 carry over 5 बन गया, तो ये आ गया टोटल हमारे पास में 5.15। अब बात करते हैं LMO की, 90% 90% ऑफ व्हाट, ये LMO है प्रीपेड, प्रीपेड कितना है 3.7 है, तो 90% × 3.7 करें भाई, मल्टीप्लाई करें, 9 7s are 63, 6 carry over, 9 3s are 27 प्लस 6 33, तो 3.33 आ गया। तो अब इन दोनों के दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस ले लीजिए, 5.15 माइनस 3.33, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 3 गया 1.82। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज ये मोर है या लेस है, तो पहले तो ये बताइए कि ये रेवेन्यू मोर है या लेस है। मोर है कितना परसेंट देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय LMO, तो LMO की जो फिगर है वो डिनोमिनेटर में आएगी, तो डिफरेंस आया 1.82, डिवाइड करें 3.33 से, इनटू कर दें 100, तो जी अप्रोक्सीमेटली ये 30 टाइम्स हो गया, तो 1.82 × 30 करें, तो 3 2s are 6, 8 3s are 24, 2 बचा, 3 1s are 3 and 2 5,
एक जीरो भी है ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा। तो 54.6 है, तो 54.6% जो है ये हमारा उत्तर नियरेस्ट है सी के, 55%। इतना हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टू डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद में जीरो डिजिट अगर करते हैं तो 55% बनता है। तो दैट मींस चॉइस सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय LMAO, IMAO, PMSL, कहाँ है ये LMAO, IMAO, PMSL? देखिए ये तीन कंपनीज की बात हो रही है। इन रूरल एरियाज, ये रहा रूरल एरियाज, प्रीपेड सर्विसेज इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस बाय अ कंपनी नेम्ड LMAFO। अब ये LMAFO कोई नई कंपनी आ गई, हुज टोटल रेवेन्यू इज 40% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल द फाइव कंपनीज बाय प्रीपेड सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। कैलकुलेशंस हैं जी, कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी। तो पहले तो प्रीपेड सर्विसेज में LMAO, IMAO, PMSL इन सब की परसेंटेजेस जो दी गई हैं ये कैलकुलेट कर लें। तो LMAO में ये रहा प्रीपेड, ब्लू कलर लाइन, तो 10% ऑफ 3.7 आ गया 0.37। IMAO में 20% ऑफ 4.5 जो कि बना 0.90। एंड PMSL में 50% ऑफ 3.2 जो कि बना 1.60। टोटल करें 9 and 3, 12 and 6, 18, 2.87 ये टोटल आ गया। कंपैरिजन किससे करना है? LMAFO से। तो प्रीपेड सर्विसेज रूरल एरिया में टोटल कितना हिसाब किताब हुआ है ये वो भी देख लेते हैं। सिर्फ ये दो फिगर्स ही तो हैं जो और कैलकुलेट करनी है आपने। तो LOL का एक बार परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, 4.3, सो 40% ऑफ 4.3 तो ये बना 1.72, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। और ROFL के लिए 30% ऑफ 2.5 विच इज 0.75। तो ये दो और वैल्यूज ऐड कीजिए, 2.87 में 2.47 और ऐड कीजिए, तो 7, 7, 14, 8 and 4, 12 plus 1, 13 ये बन गया 5.34। तो LMAFO इज 40% ऑफ 5.34, जीरो काट दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में फिर एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। 4, 4 जा 16, 4, 3 जा 12 plus 1, 13, 4, 5 जा 20 plus 1, 21, 2.136 आ जाएगा। और यहाँ पर जो फिगर थी हमारे पास में इनिशियली वो क्या थी, 2.87, तो ये 2.87 ज़्यादा है। तो 2.87 में से 2.136 एक बार गायब कर दो, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, सो 0.734। तो 0.734 डिवाइडेड बाय यही फिगर 2.136 से कितना ज़्यादा है ये, तो 2.136 इंटू 100 कर दें, इसमें ये डेसिमल हटा दें, तो 734 को 2136 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चॉइसेस को देखिए आप यहाँ पर, तो ये लगभग देखिए ना 7, 3 जा 21, तो 100/3 नियरली कितना हो गया 33%, 33% मोर है, 34% मोर दिया हुआ है। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट देखिए, द रेशियो बिटवीन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना इज हाउ मच। इंडिया का तो 9.1 रेशियो दिया हुआ है और ग्रॉस लोन यहां पर 102 दे रखा है। तो जी ये फॉर्मूला है आपके सामने में, इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो एनपीए क्या बन जाएगा, एनपीए इज एनपीए रेशियो इनटू टोटल ग्रॉस लोन। तो इंडिया का टोटल ग्रॉस लोन जो है वो है 102 और एनपीए रेशियो दे रखा है 9.1, तो ये बन जाएगा 102 इनटू 9.1 डिवाइडेड बाय
चाइना का है 105 और दे रखा है 1.7, तो 105 इंटू 1.7, तो ये देखें आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये डेसिमल्स हटा दीजिए, 91 और 17 आ गया, और 102 और 105 ये दोनों फिगर्स 3 से डिवाइड होती हैं, तो 34 और 35 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 26:5 विल बी दी करेक्ट आंसर, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ चाइना इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। 105 इंटू चाइना है यहाँ पे, 1.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहाँ गया, ये है 3.2 और यहाँ दिया है 85। परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 कीजिए, तो पहले तो ये डेसिमल मार्क चला गया, 5 से डिवाइड कीजिए 2 and 1, ये 17 आ गया, 17 कैंसिल है, तो 21/32 है। तो एक काम करते हैं ना, 2100 को 32 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 से तो जाएगा नहीं, 7 से थोड़ा सा ही कम है वैसे तो, क्योंकि 3 7s are 21 होता है, तो जाएगा तो 6 से जाएगा, तो 6 2s are 12, 6 3s are 18 बना 19, बचा 8 और यहां पर 180, तो 5 से ले लें, अगर 32 का हाफ होता है 160, तो 65 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा, जो कि यहां चॉइस बी में आपको दे रखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल ग्रॉस लोन्स ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज, ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6, डिवाइड कर दीजिए 6 से, सिंपल कैलकुलेशन है, तो सारे फिगर्स को ऐड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, एवरेज आ जाएगी 89.16, विच इज गिवन टू अस इन चॉइस सी। द डिफरेंस बिटवीन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ कोरिया एंड इंडिया इज हाउ मच, ये रहा कोरिया और ये रहा इंडिया, डिफरेंस निकालना हो तो इंडिया का है 102 इंटू 9.1, इसमें से आपको माइनस करना है 80 इंटू 8.9, तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो 102 इंटू 9.1 में 80 इंटू 8.9 माइनस करके डिवाइड बाय 100 करेंगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म कीजिए, 216,200 crores, विच इज गिवन टू अस इन चॉइस ए। द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ ब्राजील एंड रशिया टुगेदर, ब्राजील रशिया, ये है रशिया, ये रहा ब्राजील, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडिया, ब्राजील एंड रशिया, तो ब्राजील देखिए पहले तो यहां पर 75 है, तो 75 इंटू 3.8 प्लस 88 रशिया का इंटू 9.2, ये जो भी टोटल है, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडिया, जो कि है 102 इंटू 9.1, कैलकुलेशन कीजिए, 118% चॉइस बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये थे क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन में वेरियस कॉम्बिनेशंस वाले, ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है SBI PO या SBO SBI क्लर्क के मेंस के एग्जाम्स में, इनफैक्ट ये क्वेश्चंस प्री एग्जाम में भी आते हैं, IBPS RRB कोई भी बैंकिंग का एग्जाम लें, एक बात याद रखें, इट विल बॉइल डाउन टू योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, सारे के सारी बात एक ही बात पर निर्भर करती है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी फास्ट है। एज अ बैंकर आपको किसी भी हालत में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे महारत हासिल करनी ही होगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, स्टडी रेगुलरली, रिवाइज एंड वर्क हार्ड, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।